नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज फिर हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं, ड्रग डिलीवरी चैम्बर है, ये DDS बोलते हैं इसको, ड्रग डिलीवरी चैम्बर, जो कि इंट्यूबेटेड पेशेंट को नेबुलाइजर डोज देने के लिए यूज़ होता है। अभी नेबुलाइजर जो है, हम नॉर्मल पेशेंट को कैसे मशीन लगाते हैं, चैम्बर होता है, चैम्बर में मेडिसिन डालते हैं, पेशेंट को मास्क लगा देते हैं और उससे हम लोग नेबुलाइजर पेशेंट को देते हैं। उसमें बिजली भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, चैम्बर भी चाहिए, मेडिसिन डालना है। अब इंट्यूबेटेड पेशेंट को कैसे देंगे? इंट्यूबेटेड पेशेंट मीन्स जिसको वेंटिलेटर लगा हुआ है। वेंटिलेटर ने पहले भी बताया है, वेंटिलेटर कैसे कनेक्ट होता है पेशेंट को। वेंटिलेटर कनेक्ट होता है, जैसे ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के साथ में ये ट्यूबिंग लगती है, इसको हम लोग वेंटिलेटर सर्किट बोलते हैं। अब इसको पेशेंट से कैसे जोड़ते हैं? पेशेंट को जोड़ने के लिए ये एक ट्यूब होती है, इसको हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, ET ट्यूब, शॉर्ट फॉर्म में ET, और पूरा नाम इसका एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है क्योंकि ट्रेकिया में जाती है ये। और ये इसके साथ इसका कफ है, कफ जो है इसको हम सिरिंज से इन्फ्लेट करते हैं, इससे सिरिंज से इसको इन्फ्लेट करते हैं, ये कफ फूल जाता है। ऐसे इसको हम लोग गले में पहले डालते हैं, गले में डालते हैं ऐसे करके, और इतना हिस्सा मुंह के बाहर रहता है, और फिर इस कफ को हम लोग इसमें सिरिंज लगा के हवा भरते हैं तो ये कफ फूल जाता है, ताकि गले में जैसे ऐसे है तो ये फूल के आसपास की जगह को बंद कर देता है, तो जो भी एयर इसमें से आती है वो सीधा लंग्स में जाती है। खैर वो डीप वो है, डीप प्रोसीजर है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं नेबुलाइजर हम लोग कैसे पेशेंट को देते हैं, इंट्यूबेटेड पेशेंट को, मतलब जिसके अंदर ट्यूब डाल दिया वो इंट्यूबेट हो गया। इंट्यूबेटेड पेशेंट को अब नेबुलाइजर कैसे देंगे? इंट्यूबेटेड पेशेंट को नेबुलाइजर देने के लिए हमें, अब हम पेशेंट को जब वेंटिलेटर कनेक्ट करते हैं तो ये ट्यूब अंदर डाल के, ये इसका जो कनेक्शन है यहाँ से पेशेंट के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये ऐसे कनेक्शन इसका हो जाता है, तो इससे पेशेंट को वेंटिलेशन मिलता है, एक से सांस आता है, एक से बाहर जाता है। अब इसको नेबुलाइज कैसे करेंगे? ये तो सारा रास्ता बंद है, नॉर्मल नेबुलाइजर तो मास्क लगा के हम कर लेते हैं, पेशेंट सांस ले लेता है। इसको नेबुलाइज करने के लिए इंट्यूबेटेड पेशेंट को हमारे पास 2-3 टाइप के चीजें आती हैं। नेबुलाइजर किट विद टी, इसको हम लोग नेबुलाइजर टी किट बोलते हैं। ये भी टी किट है, ये फिलिप्स का है, ये मेडिकॉप का है, और एक ये DDS आता है, ड्रग डिलीवरी चैम्बर जिसको बोलते हैं। इससे आप इनहेलर जो है इंट्यूबेटेड पेशेंट को दे सकते हैं, जो अस्थमा वाले लोग पफ लेते हैं, पफ जो सांस के साथ में लेते हैं, वो बॉटल जो है वो बॉटल यहाँ पे लग जाती है, उससे अभी कैसे देते हैं वो हम अभी देखेंगे। अभी सबसे पहले हम सबसे सिंपल तरीका देखते हैं, उसको जब पेशेंट को नेबुलाइज करना है तो यहाँ से हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये टी पीस जो है नेबुलाइजर चैम्बर है, इसके अंदर मेडिसिन डालते हैं, टी पीस इसके ऊपर लगाते हैं, एक साइड इसका 22 mm फीमेल है, एक साइड 22 mm मेल है, और अंदर से 15 mm फीमेल है। तो जो बड़ा वाला साइज है वो हम टी इस पे वाई पीस पे यहाँ लगाते हैं, और इस तरफ से ये ET ट्यूब में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ से कनेक्शन हो जाता है। और इसको जो है नीचे से चैम्बर में, जैसे नॉर्मल नेबुलाइजर में ट्यूब लगाते हैं, ये जो है आप एयर फ्लो में, चाहे नेबुलाइजर कंप्रेशर में लगाइए, चाहे आप ऑक्सीजन में लगाएं, या फिर वेंटिलेटर में भी ऑप्शन होता है, उसमें भी जिसमें ऑप्शन है वहाँ पे नेबुलाइजर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी
इंस्पिरेटरी फेज होगा, जब भी इन्हेलेशन मशीन से आएगा तो उसके साथ जो है मेडिसिन इसमें चली जाएगी, नेबुलाइजर वाले। नेबुलाइजर मशीन से लगाएंगे तो कंटिन्यूस जाता रहेगा। फिर नेबुलाइजेशन होने के बाद में इसको आपको वापस डिस्कनेक्ट करना है, ऐसे करके इसको लगा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैचमेंट जो है फेस के पास लटका रहेगा, इसलिए बेटर है डिटैच करके रखें। दूसरा ऑप्शन जो है टी देखा था, ये तीनों तरफ से खाली है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी प्लेन टी है। तो इसको अगर हम चैम्बर निकाल के रखेंगे तो इधर से सारी एयर लीकेज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, ये मेडिकॉप का नेबुलाइजर टी किट है, इसमें ये ढक्कन लगा है और इसके अंदर ये वेल्व है, वन वे वेल्व, स्प्रिंग लगा है यहाँ पे। यहाँ से देखेंगे तो ये अंदर से देखिए वेल्व जो है ओपन होता है। तो जब इसको भी हम लोग ऐसे ही कनेक्ट करेंगे नेबुलाइज करने के लिए, इसको ये ईटी ट्यूब में, ये साइड वाई पीस में, और चैम्बर जो है हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और ट्यूबिंग वैसे ही लगाएंगे जैसे उसमें लगाया था। ये ट्यूब लगा दिया और ये ट्यूब मशीन में या ऑक्सीजन में या एयर में, जहाँ से भी आपको प्रेशर सोर्स देना है वहाँ से दे सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें अगर आप इस चैम्बर को ऐसे निकालेंगे तो ये हवा इसमें से लीक नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ये वेल्व है। तो ये टी पीस आप लगा हुआ भी छोड़ सकते हैं, जब भी आपको नेबुलाइज करना है बस इसमें मेडिसिन डाल के इसको ऐसे अटैच कर दीजिए और नेबुलाइजर ऑन कर दीजिए, नेबुलाइजेशन पेशेंट को होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने टी पीस से जो है हमने नेबुलाइजेशन किया, तो इसमें हमें ये चैम्बर चाहिए, इतना बड़ा टी पीस चाहिए, और हमें एक मशीन का या प्रेशर सोर्स चाहिए, चाहे वो मशीन से दें, ऑक्सीजन से दें, एयर से दें, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अटैचमेंट्स बहुत सारी बढ़ जाती हैं और टाइम भी लगता है। जितनी देर में इसमें 2.5 ml जो है कम से कम 15-20 मिनट में ख़त्म होगा, 2.5 ml अगर मेडिसिन डालेंगे। नेक्स्ट जो आजकल एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ये DDS है, आर्मस्ट्रॉन्ग मेडिकल का है, UK की है आर्मस्ट्रॉन्ग मेडिकल, इसको हम लोग DDS बोलते हैं। DDS मीन्स ड्रग डिलीवरी चैम्बर। इससे जो है हम मीटर्ड डोज इनहेलर जो होता है उससे हम पफ दे सकते हैं, जैसा कि एस्थमेटिक लोग यूज़ करते हैं, पफ लेते हैं, वही मेडिसिन आप इंट्यूबेटेड पेशेंट तो नहीं ले सकता है, तो उसको देने के लिए हमने इसमें वैसे ही डाया बनाए हैं दोनों तरफ जैसे टी पीस में थे। इसको हम निकालेंगे, इसको इस तरफ अटैच करेंगे, वाई पीस इधर अटैच करेंगे, और इसको अटैच्ड ही छोड़ सकते हैं आप। जब भी आपको नेबुलाइज करना है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये ऐसे स्पेसर बन जाता है। अब यहाँ पे आप जो मीटर्ड डोज इनहेलर होता है, छोटा सा बॉटल होता है पफ वाला, उसमें ऐसा उसका जो टॉप होता है जहाँ से मेडिसिन निकलती है वो ऐसा रिफिल के जैसा होता है, तो आप इसको इसके ऊपर लगा के बॉटल को ऊपर से पुश कर सकते हैं। जैसे ही आप पुश करेंगे पफ जो है पेशेंट को चला जाएगा। तो कितने पफ पेशेंट को देने हैं आपने, एक दो, जैसा भी जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना पफ दीजिए, बस नेबुलाइजेशन हो गया। कोई वेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करने के बाद में इसको वापस ऐसे बंद करके आप छोड़ सकते हैं, सिंपल। ट्रांसपोर्ट में ये बहुत यूजफुल है, अगर एम्बुलेंस में पेशेंट है तो आपको इतना सारा, वैसे ही वहाँ जगह नहीं होती है एम्बुलेंस में, तो उसकी भी इतनी सारी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी डिवाइस से आप नेबुलाइज कर सकते हैं। ये अच्छा है, आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो इससे एक तो मेडिसिन वेस्ट नहीं होता है इमिजिएटली, मतलब प्योर फॉर्म में है, प्योर गैशियस फॉर्म में जो है आप सीधा पेशेंट को दे सकते हैं, और कोई इक्विपमेंट आपको इसके लिए अलग से नहीं चाहिए, और इसको आप लगा हुआ भी छोड़ सकते हैं।
और पेशेंट जो एक्सहेल करेगा, या आप डिटैच अटैच करते हैं उस टाइम में पेशेंट जो एक्सहेल करता है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। वो सब क्लोज्ड सर्किट में ही आप कर सकते हैं, सर्किट ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लोज सर्किट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे खोला, इसमें जो है बॉटल लगाया, बॉटल लगा के आपने उसको पुश किया, पफ गया और वापस इसको बंद कर दिया। ये है हमारे इंटुबेटेड पेशेंट को नेबुलाइज करने के तरीके हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, और इसको अगर आप निकालना चाहें तो निकाल के भी रख सकते हैं। ये निकाल के अलग से ऐसे आ जाता है, एज ए स्पेसर एक्ट करता है ये खुलने के बाद में, और यूज़ करने के बाद में आप इसको बंद कर। थैंक यू।